चुतिया बन बहुत बड़ा चूते है पर काफी ज्यादा बेहतरीन क्रैक्ड एम वाले प्लेयर माने जाते हैं game, uh, और uh, उनके बारे में उनके गेम प्ले के ऊपर you know, तारीफे रहती है काफी बात रहती है सो प्लीज वेलकम डेथ मेकर फर्स्ट थिंग कैसा लग रहा है

उसमें उस से कितना अभी तक अकम्पलिश किया सो एक्चुअली क्या हुआ था मेरे सब दोस्त लोग मेरे एक्स टीमेट्स लाइक हेलेफ एंटीडोट अनुज सब लोग तो हुँ. सब लोग ने द लेफ्ट सी एस गो इन दर्ली टी आई थिंकटी नाइनटीन के टाइम पे हुँ. तो वो टाइम पे एक्चुअली आई थिंक इंडिया में सिर्फ मैं और मार्जिल ही थे जो लोग ने सी एस गो पे स्टिक किया था Okay. तो उसके बाद कैसा हुआ था सी एस गो स्टीक करने के बाद आफ्टर प्लेइंग लाइक टू थ्री मंथ्स फिर मैंने देखा कि इंडिया में कुछ इवेंट्स ही नहीं हो रहे अभी और लाइक लाइक नो इवेंट्स तो उसके बाद मैंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू वेल रेंट क्योंकि मेरे सब uh, दोस्त लोग भी है उधर पे तो उधर पे एट दैट टाइम एक्चुअली जो मेरा टीम था वो था जी तो तब मैं जी में था और मेरे को एक जी से ऑफर भी था mm -hmm. कि यू शिफ्ट टू वेल रेंट एंड प्ले विथ अस तो वो टाइम पे मैंने वो ऑफर को डिनाई किया था क्योंकि एट दैट टाइम मेरे को चाहिए था कि मैं कुछ यंग टैलेंट के साथ खेलूँ okay. और वो लोग के साथ खेल के मैं देखूँ और मैं और मैं चाहता था कि जो एक्सपीरियंस मेरे पास था सेम एक्सपीरियंस अरे मैं दो वो लोग को भी दूँ तो mm -hmm. वो चल तो वो सोच के आई जॉइन टीम गॉड गॉडलाइक तो गॉड लाइक जॉइन करने के बाद उसके बाद हम लोग की टीम में लाइक प्लेयर्स चेंज हुए तो उसके बाद भी लाइक आफ्टर सिक्स सेवन मंथ्स जब मैंने देखा कि लाइक हम लोग की टीम से नहीं हो रहा था इन शॉर्ट Yeah. तो एकदम ही नहीं हो पा रहा था हर एक इवेंट पे थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ या फिर एट भी आए अपन फर्स्ट वीसीसी जब हुआ था फॉर द एल सी क्यू तो वो टाइम पे भी लॉस्ट इन द दी तो वही तो उसी टाइम पे मैंने टीम को बोल दिया था कि दिस इज माई लास्ट इवेंट अगर हम लोग कुछ कर पाते हैं इसमें एट लीस्ट एट लीस्ट वी रीच सॉरी एट लीस्ट वी रीच सेमीज और द टीम और अगर नहीं हुआ तो आई विल फाइंड अनदर वे टू लाइक कोई और ऑप्शन ढूंढूंगा मैं तो उसके बाद uh, एक्चुअली वी लॉस्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स तो उसके बाद आई वॉज़ फुल्ली लाइक मेरा मन पूरा वो हो गया था मन बहुत ही ख़राब हो गया था कि इतने महीने से खेल रहा हूँ एक साथ खेलते रहे बस कुछ हो नहीं रहा तो आफ्टर दैट uh, तो और मेरे को तब से लाइक कॉर्डलेक ज्वाइन करने के दो तीन महीने बाद से ही मेरे को मन था वी में खेलने का और वी में खेलने का मन इसलिए था क्योंकि वी में जो प्लेयर्स थे वो टाइम पे अनुज एस एक्सकेली एन टी हेलेप सो so, सबके साथ में पहले खेल चुका हूँ तो एक अच्छा बॉन्ड था मेरा वो लोग के साथ और वो टाइम पे जो वी की टीम भी बहुत ही ऊपर थी मतलब वो लोग को कोई हरा नहीं पा रहे थे वो टाइम पे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मन था खेलने का तो एक दिन आई आस्ट अन्ना कि अन्ना आई नो कि आपके पास फुल टीम ऑलरेडी है लाइक आई डोंट वॉन्ट टू कम लाइक कि मैं टीम में आऊँ और टीम का मतलब एक प्लेयर को आप निकालो या फिर कुछ ऐसा हो टीम में वो तो फिर अन्ना ने बोला वो टाइम पे कि ओके okay, डीएम अगर कुछ होता है तो मैं तेरे को बोलता हूँ तो वही होप में मैं था फिर okay, एक दिन okay. फिर एक दिन अन्ना का अचानक से कॉल आया तो ठीक. उसके बाद सब कुछ हुआ फिर तो जो मेरा सपना था वो हो गया पूरा कि मैं आके खेलूँ फिर से बिल्डिंग में सो so, लाइक like, आपने जब से वी ज्वाइन किया तब से लेकर के अभी तक जितना आपने सोचा था आप अचीव करोगे एंड ऑल वो पूरा हुआ है या फिर डू यू थिंक कि अभी भी और आगे जा लाइक ऑब्वियसली दे वुड बी अ होप राइट सो कितना परसेंट आर यू सेटिस्फाइड विद द टीम एज ऑफ नाउ so honestly to, with my team members inside the game and outside the game like uh, i am super happy yeah and jo uh, in game mein jo uh, like actually main kaisa karta hu ki main goal ka uh, matlab ek goal ek goal karke main set karta hu ek goal karke so first goal was है. to uh, to be best in india then to be best in the region okay yeah, yeah. uske baad और भी आगे जाना है तो honestly अभी तक 20 परसेंट ही हुआ है मैं तो बोलूंगा और अभी हम लोग को और भी आगे जाना है क्योंकि अभी जो लीग आने वाला yeah so definitely

अगर ये डिसीजन हम लोग ने लिया तो होपफुली हम लोग का टीम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा जो हम लोग का डिसीजन था तो वो हिसाब से हम लोग हम लोग ने मिलकर वो डिसीजन लिया था और एज ए फ्रेंड ऑफकोर्स एज आई नो हिम फ्रॉम टू तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था है और, और वो आगे भी रहेगा फॉर श्योर वी एल टी नो

मैं ऐसा एक प्लेयर था और मैं अभी भी हूँ बट अभी थोड़ा सा वो कम हुआ है कि आ, जो लोग बोलते हैं कि डीएम के पास सिर्फ ए में और कुछ नहीं है और एक्चुअली अच्छा। मैं ऐसा ही था पहले अच्छा। बट एज अनुज एज अनुज हेल्प एंड ऑल जब मैं उन लोगों के साथ खेलता हूँ हमेशा तो वो लोग लो ने मेरे को गेम सिखाया है कि एम से कुछ नहीं होता है लाइक एम लाइक एम एम भी चाहिए बट एम तेरे आ, एम अगर तेरे पास बीस तीस परसेंट है तो तो उससे भी हो जाता है बट मेन थिंग इज़ यू नो टीम के लाइक गेम के अंदर जो चल रहे वो सोच के वो दिमाग में ला सब कुछ करना पड़ता है

कोच एक ऐसा होना चाहिए टीम में कि कोच का मेंटेलिटी और प्लेयर्स का प्लेयर्सिटी एक हो ओके फॉर एग्जांपल हम लोग का लाइक हम लोग को ऐसा कोच ही चाहिए था कि हम लोग का जो गेम स्टाइल है वो हुँ. उसको इम्प्रूव करे okay. मतलब वो वो, वो लाइक उसका जो गेम स्टाइल अगर हम लोग खेलेंगे तो हम लोग लाइक हम लोग ने जो हम लोग का टीम है वो हम लोग एक डेढ़ साल से जो हम लोग जो खेल रहे गेम स्टाइल अगर उसने कुछ कुछ लाइक और एक नया लेके आएगा तो हम लोग वो नहीं कर सकते okay. तो हम लोग ऐसा कुछ चाहते हैं कि जो हम लोग का जो है गेम शैल उसमें ही बैलेंस आउट कर सके दोनों चीजें या एग्जैक्टली तो ऑनेस्टली हम लोग को जो कोच मिला है ही वाज अ एक्सएसगो प्लेयर एंड ही वाज विथ अनुज एंड आई थिंक अनुज हाँ अनुज हिम एंड एक्सकेली हां तो तो दे प्लेइंग इंटिमेंटिटी ओके या या सो और वो कोच हम लोग को अच्छा क्यों मिला मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उसका मेंटेलिटी हम लोग का मेंटेलिटी सेम है और वो हम लोग को सिर्फ उसमें हेल्प करता है कि हम लोग का हम लोग का जो गेम स्टाइल है उसमें हम लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं वो हिसाब से मतलब वो हम लोग को हेल्प करता है देख बहुत ही ज्यादा एक्चुअली अ प्लेयर राइट कोच की हमने बात कर ली सब चीजों की बात कर ली एज एन इंडिविजुअल दिस क्वेश्चन आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम डेथ मेकर आई एम आस्किंग फ्रॉम यू सनी एज अ पर्सन राइट अ प्लेयर पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जिसको जिसको आपको करना पड़ता है ऐसी क्या चीजें so, well, जब, okay. जब मैं घर छोड़ के आया था लाइक आई होम फॉर एन ईयर क्योंकि वो टाइम पे घर से सपोर्ट नहीं था आपकरस, क्योंकि okay. क्या, वो टाइम पे क्या स्पोर्ट्स क्या गेमिंग है <laughs> वो तो, नहीं I know, I know, yeah. तो वो टाइम पे फिर भी यू नो होम सिकनेस होता थार्स बट आफ्टर प्लेइंग फॉर वन टू ईयर्स और लाइक हर एक टीम में खेलते खेलते तो उसके बाद होम सिकनेस वो चला जाता है एंड पर्सनल लाइफ की अगर बात है इफ़ यू हैवे गर्ल फ्रेंड मतलब ऑफकोर्स आफ्टर प्लेइंग द हम लोग का हम लोग का लाइक like, दिन में आठ नौ घंटा जो भी रहता है एंड एक्चुअली वी नीड आ प्रॉपर स्लीप एज वेल तो right, वो टाइम पे यू you नो know, uh, उसके बाद हल्का हल्का सा देना टाइम टू टू माई फैमिली एंड इफ यू है गर्ल फ्रेंड ऑफकोर्स यू हैव टू गिव टाइम टू तो ऑनेस्टली पर्सन लाइफ को मेनटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बट ऑफकोर्स यू हैव टू यू नो मेक ए वे तो मैंने अभी अपना जो लाइफ का जो है लाइक हम अभी एक्चुअली मैं कैसा करता हूँ दिन में अगर मेरे को आठ घंटा प्रैक्टिस का रहता है तो वो उसके बाद जो भी टाइम रहता है वो हिसाब से मैं अपना पर्स मैं और टाइम देना टू माई फैमिली एंड माई गर्लफ्रेंड एंड ऑल तो वो सबको मैंने अभी लाइक एक वो करके रखा है लाइक इन प्रॉपर शेड्यूल एंड ऑब्वियसली एसेंशियल लीग आ रहा है देयर इज अ कन्वर्सेशन यू नो ऑब्वियसली कौन सी टीम अच्छी होगी कौन सी नहीं होगी पूरा पूरा एक लीग चलना लंबे समय तक मेंटली भी टायरिंग होगा वो सब चीज़ें भी आएंगी सो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन द एसेंशियल लीग यू सेड कि लाइक like, आप एक ऐसा परफॉर्मेंस तो देना चाहते हो आपकी टीम जो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बनकर निकले बट डू यू थिंक लाइक इंडियन रीजन को इंडियन सर्किट को अगर हम लोग हटा दें

हम लोग का लाइक जो एक चीज़ मैं मानता हूँ इंडियन प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स के पास रो एम बहुत ज़्यादा है हम okay. लोग लैग करते हैं जिसमें वो है कि हम लोग जो स्क्रीम करते हैं ना हम लोग स्क्रीम करते हैं हम लोग के पास उतना ऑप्शन नहीं रहता स्क्रीम करने का ऑप्शन एजिन हम लोग को इतने अच्छे टीम्स नहीं मिलते बट ऑफकोर्स okay. नहीं टीम्स है अच्छे अच्छे है बट उतने अच्छे नहीं मिलते बट बाहर के प्लेयर्स को कैसा रहता है कि दे एवर द ऑप्शनस कि हॉन्गक सर्वर्स में वो लोग खेले बाहर की टीम के साथ और वही वो लोग का एक पॉइंट है लाइक हल्का सा एक पॉइंट है और दूसरा चीज़ ये कि ऑफकोर्स लाइक हम लोग भी लाइक ऐसा तो नहीं बोल सकते हर बार की वो लोग बाहर की टीम के साथ खेलते हैं तो हम लोग के पास एक्सपीरियंस कम है बट ऑफकोर्स वी हैव टू गिव अवर बेस्ट सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर देट नाउ ओनली बिकॉज हम लोग ने दो महीना पहले से ही हम लोग का हो गया शार्ट प्रैक्टिस सो वी आर वी आर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर फॉर लाइक फॉर द इंडिया फर्स्ट और अगर इंडिया से क्वालिफाई किए देन वी विल बी प्रिपेयर फॉर द लीग फॉर श्योर आई लाइक वट हैज बिन योर टर्निंग पॉइंट इन इन योर लाइफ गेम में कब कब ऐसा लगा कि हाँ नहीं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कुछ रिग्रेट नहीं किया अगर सिर्फ गेमिंग को करियर बनाया या स्पोर्ट्स e को करियर बनाया वट वॉज दैट टर्निंग पॉइंट वो टर्निंग पॉइंट लाइक ऐसा कुछ नहीं था बट ऑनेस्टली अम... बट तभी तो ऐसा होता होगा ना कि लाइफ में पीछे देख करके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ तक पहुंचा हूँ इसके अलावा मैं लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता कुछ और अगर होती या कुछ एक्जैक्टली exactly <laughs> वो ये टाइम था कि वेन आई स्टार्ट प्लेंग गेम्स ओनली तो वो टाइम से ही और जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम खेला था सी एस था वो टाइम पे सी एस वन पॉइंट वन खेलने के बाद फिर आई शिफ्टेड टू सी एस जब आया था तो वही टाइम से आई डोंट नो आई लाइक गेमिंग में मेरा इतना मन था इतना मन था ऑनेस्टली आई ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल वेन आई वॉज इन क्लास सिक्स मैंने स्कूल को ड्रॉप किया था फॉर थ्री और फोर ईयर्स ओनली टू प्ले गेम्स तो उधर से ही पूरा मन था कि मुझे करना है मतलब करना ही है बट एक पॉइंट ऐसा आया था आफ्टर इन टू टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन एंड के टाइम पे वेन आई वॉज इन जे तो वो टाइम okay. पे जे का जो टीम था जो ओनर था उसने बोला कि मैं वो टीम को नहीं चला सकता तो हम लोग का टीम हो गया था पूरा बंद हो गया था तो उसके बाद आई वॉज लाइक यू नो आई गेमिंग फॉर अराउंड सिक्स ओके तो वो टाइम पे एक बार के लिए मेरे दिमाग में आया था कि अभी गेमिंग के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है अभी मैं क्या कर सकता हूँ बट वही टाइम पे बट उसके साथ भी मेरे पास एक होप था कि होप नहीं छोड़ूंगा अगर मैंने ये दिमाग में है कि मुझे कुछ एक कुछ ना कुछ इसमें तो मैंने वो होप लेके ही चला और आज इधर हूँ ये yeah. <laughs> आप आज इधर हो मैं मानता हूं वॉट इफ वॉट इफ ना आई होती वैलोरिन बनी नहीं होती वैलोरिन गेम ही ना होती डू यू थिंक सीएसगो का सीएस गो बहुत टाइम से थी राइट बट डू यू थिंक अगर सिर्फ सीएस गो होती है अभी भी इट वुड हैव मेड द सेम इम्पैक्ट जो कि वेलोरिट ने आकर के बनाया एकदम से वट वट इज दैट वन थिंग दैट वैलोरेंट जस्ट हेल्ड ऑन टू जो सीएस गो नहीं कर पाई इंडियन सर्किट के लिए इंडियन मार्केट के लिए जो मेरे को लगता है ना फर्स्ट जो पॉइंट था वो है कि जैसे ये गेम लॉन्च हुआ था इंडिया में

दो तीन हफ्ते में ऐसे ऐसे चीज़ें आते हैं कि हर एक प्लेयर को एट लाइक इन दिस गेम अगर हम लोग ने एक मैप के लिए एक लाइनअप बना के रखा है उससे हम खेलेंगे बट आफ्टर टू थ्री वीस वीक्स जब भी एक अपडेट आएगा तो वो लाइनअप हम लोग और नहीं खेल सकते सो सो वी नीड टू शिफ्ट द लाइनअप्स तो इसके लिए मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर दो तीन हफ्ते में हम लोग को कुछ एक नया मैप सीखने को मिल रहा है एक नया एजेंट सीखने को मिल रहा है ये तो मेरे को लगता है ये चीज़ तो एक है और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये गेम लॉन्च हुआ था

ट यू नो डेफिनेटली मेक सेंस कि किस तरीके से पूरा गेम चलता है गेम का मैकेनिकता है सब चीज़ें बदलती हैं वट आई वो एक अच्छे प्लेयर का माइंड सेट वट वट शुड अ गुड प्लेयर माइंड सेट भी हाउ शुड दे शोकेस दम सेल्स नॉट जस्ट इन द गेम आउटसाइड द गेम बेसिकली वट आई वॉन्ट नो इज डेथ मेकर का एक दिन कैसा जाता है थिंकिंग वट इज ही लर्निंग क्या क्या चीजें करते हुए uh... हम लोग का जब भी टीम प्रैक्टिस स्टार्ट होता है दिन में तो वो टाइम पे ऑनेस्टली मेरे दिमाग में वही चलता है कि हम लोग का कोच हम लोग को बोलता है कि अभी अगर हम लोग का एक मैप का स्क्रीन है एज फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेंग एसेंट और हेवन कुछ भी एक मैप है okay. तो वो मैप में हम लोग को जो कोच बोलते हैं कि आज हम लोग को ये डिफॉल्ट या फिर ये कॉल्स हम लोग को करना है प्रैक्टिस तो मेरे दिमाग में वही चलता है कि uh, प्रैक्टिस कर रहे लाइक लाइक इन शॉर्ट प्रैक्टिस के टाइम पे अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है पूरा ही ध्यान लगा के कि कोई भी गलती ना हो बट ऑफकोर्स हम लोग ह्यूमन है हम लोग से लाइक हर एक मैप में तो लाइक मेरे से तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है वो अलग बात है बट ये था इन गेम में कि लाइक आई वॉन्ट टू बी लाइक फुल्ली फोकस हम लोग जब भी स्क्रीम करते हैं कुछ भी एंड मैं चाहता हूँ कि और वो टाइम पे मेरे दिमाग में रहता है कि वो स्क्रीम अच्छे से जाए मैं जितना कम मिस्टेक करूँ उतना ही अच्छा है मेरे लिए okay. कि मैं और भी लाइक like, बहुत ही कम टाइम में मैं और भी कुछ कुछ भी लाइक यू नो एक दो चीज़ें और भी नया सीखूँगा मैं ये थे इन गेम के बारे में और आउटसाइड ऑफ द गेम ऑफ कोर्स इफ़ अभी अगर समझ लो कि एक दो हफ्ते में हम लोग का कोई एक बहुत बड़ा ही इवेंट आ रहा है जी तो वो टाइम पे हम लोग ऑनेस्टली हम लोग का जो पर्सनल लाइफ पूरा भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग का ये जॉब है और हम लोग का इवेंट है और ये इवेंट है हम लोग का एग्जाम तो एग्जाम के लिए वी हैव टू बी लाइक फुल्ली प्रिपेयर फॉर दैट तो इसके लिए हम लोग हम लोग का जो पर्सनल लाइफ में लाइक मैं तो पूरा छोड़ देता हूँ एक दिन में हार्डली एक घंटा ही मैं बात करता हूँ अपने घर वालों के साथ तो उसमें ही लाइक फुल्ली फोकस रहता है खुद के लिए क्या प्लान किया है VLT के लिए क्या प्लान किया है मैंने खुद के लिए और वी एल टी के लिए मैंने एक ही प्लान किया है वो है कि आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट जो अभी जो आने वाला लीग उसमें और मैं चाहता हूँ कि मैं आ, टीम के साथ होकर मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे टीम मेट्स लोग भी बेस्ट दे वट दे आर गोइंग टू गिव फॉर श्योर

ओके सबसे पहले वो ये है मुंह में मेरे okay. ये इतना बुरा बट इन अ गुड टर्म लाइक बहुत ही अच्छा दोस्त भी है मेरा भाई भाई जैसा है भाई जैसा ही होगा बट बहुत बड़ा चूतिया है फॉर श्योर यू फॉर वो भी चूतिया है सबसे पहले बट ऑनेस्टली और बट वो दिल का बहुत अच्छा बंदा है बहुत ज्यादा आई नो आई एम स्केर्ड बट अन्ना अन्ना के बारे में <laughs> ऑनेस्टली बताता हूँ yeah. जब से मैं टीम में ज्वाइन किया हूँ uh -huh. तब से लेके इन गेम आउटसाइड साइड द गेम जितना भी हेल्प चाहिए था मुझे जितना भी hmm. अन्ना ने सब कुछ हेल्प किया है मुझे लाइक बिना एक बार भी नो बोले सब कुछ और बुरा ऑनेस्टली अन्ना ने कुछ किया ही नहीं है तो मैं कुछ है ही नहीं मेरे को लाइक बोलने के लिए बुरा Well, with that, uh, thank you very much for giving out your precious time Uh, Podcast and a lot of insights Got insights Got a And uh, I just wish you and the team all the very best For everything in the future and uh, We'll see you around so Thank you very much Thank you A week went to 4 weeks with persuasion from the players saying Stay back we need you here we like the vibe here." beer oh. A month later I called my dad he doesn't know that I'm in Mumbai for oh, so long. I told okay, him I'm okay. going there for three days. Okay. I go back a month later. And I get caught at home. Recently, we've seen uh, you somewhere else as well. Playground. Oh, I got scared for the second reason. I you see me <laughs> somewhere else. Dude. Instead of us going on and searching for multiple content managers to come in, who have not proved themselves worthy in the past. I repeat it again. I'm not scared of y'all. You haven't proved worthy to be. Any, a part of the organization doing shit of all the content that was here yeah and uh, since we started stepping in we brought in insane viable options Xcali's announcement so ashish helped lord batura be here ashish helped lord batura be here yeah and i think now it's the time for lord batura to step up and bring ashish up from where he is right now